हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिहारीज किचन। आज हम लोग बना रहे हैं कश्मीरी दम आलू। वो मैं किस तरीके से बनाती हूँ उसका रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने आलू को छील लिया है, ये लाल वाली आलू है, तो उसको मैंने छील करके थोड़ा सा बस मैंने इसको बॉईल कर लिया, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा मतलब मैंने कहा 5 मिनट बस इसको बॉईल कर लिया, पूरा बॉईल नहीं हुआ है, बस इसको उबाल के मैंने ठंडा कर लिया है। मैंने तेल कढ़ाई में गर्म होने रख दिया है, ये रिफाइंड ऑयल है, इसमें हमने सारे आलू को फ्राई करेंगे। इसको हम लोग चलाते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर पे, जब तक ये अच्छी तरह से ये लाल नहीं हो जाए तब तक हम नहीं निकालेंगे। तो देखिए आलू अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, हमने इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसमें ज़्यादा मसाला भी नहीं लगता, खाने में बहुत टेस्टी भी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। आलू का क्वांटिटी तो आपने तो मेरा देख ही लिया है, साथ में मैंने एक बड़ा सा प्याज है उसको मैंने रफली काट लिया है, इसको भी हम लोग तेल में फ्राई करेंगे। बस इसको ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस थोड़ा सा इसको फ्राई करके बस हम लोग इसको निकाल लेंगे। बस इतना काफ़ी है, तो हम लोग इसको निकाल लेंगे और हम इसको ठंडा होने के बाद हम लोग मिक्सी ग्राइंडर में इसको पीस लेंगे। तब तक हम लोग क्या करते हैं, एक टमाटर मैंने ले लिया है, एक बड़ा टमाटर नहीं तो दो छोटे टमाटर को ले लीजिए, और उसमें 2-4 मैंने लाल सूखा मिर्च ले ली, इसको बॉईल कर लेंगे 5 मिनट बॉईल कर लेंगे और फिर इसको भी हम लोग पीस लेंगे, इसका भी पेस्ट बना लेंगे। अब मैंने वही कढ़ाई ले लिया, बस खाली थोड़ा सा रिफाइन कम कर दिया है, उसके बाद मैंने उसको गर्म करके उसमें जीरा का फ़ोरन दिया है, 2 तेज़पत्ता डाला है, इसको थोड़ा सा लाल होने देते हैं। उसके बाद हम लोग आगे में ये अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट है, इसमें 2-3 हरी मिर्च है, थोड़ा 4-5 कली लहसुन है, अदरक है, अदरक दोनों से थोड़ा सा ज़्यादा है, 1 इंच का टुकड़ा है, उसको मैंने पीस लिया है, उसके बाद उसको मैंने डाल दिया। उसके बाद हम इसको थोड़ी देर भूंजेंगे, उसके बाद हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। ये है किचन किंग मसाला, कश्मीरी मिर्च और थोड़ा सा हल्दी है, इसको हम लोग थोड़ा सा भूंज लेंगे। और मैंने 1 कटोरी दही डाला है, कटोरी डाल के हम थोड़ा सा भूंजेंगे। उसके बाद मैंने वो टमाटर को पीस लिया है, बॉयल्ड टमाटर को, इसको भी डाल के हम लोग थोड़ी देर भूंजेंगे, और साथ में प्याज जो मैंने भूंजा था वो भी डाल देंगे। इसको हम लोग थोड़ी देर भूंजेंगे। थोड़ी देर भूंजने के बाद हम लोग इसमें टमाटो केचप डालेंगे, करीब 1 चम्मच, बड़े चम्मच से 1 चम्मच, और थोड़ी देर भूनने के बाद फिर हम लोग इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे। कसूरी मेथी को हाथ से रब करके डाल देंगे ताकि इसका फ्लेवर पूरे ग्रेवी में अच्छी तरह से आ जाए, और साथ में हम लोग जितने आलू बॉईल किए हैं उसको इसी तरह से फोक से हम लोग उसमें छेद करें ताकि ग्रेवी उसके अंदर अच्छी तरह से चल जाए, ताकि उसका टेस्ट और भी बढ़ जाए। तो मैंने सारे आलू को वैसे ही कर लिया है, और उसके बाद हम लोग थोड़ी देर आलू के साथ भी इसको फ्राई करेंगे, और साथ में हम लोग नमक भी डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग।
इसको हम लोग थोड़ी देर ऐसे ही भूनते रहेंगे। फ्रेंड्स, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और उसके बाद देखिए, मैंने उसी जार में जिसमें मैंने प्याज पीसा था उसमें थोड़ा सा पानी लेके मैंने डाल दिया है। इसको थोड़ा सा उबलने दिया है। उसके बाद ये रेडी है और इसके ऊपर हम लोग गरम मसाला डाल देंगे और हम लोग गैस को ऑफ कर देंगे। इसके बाद हम लोग इसमें आमचूर पाउडर भी डालेंगे। अगर आपका दही खट्टा नहीं है तो आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। तो मेरा दही हल्का सा खट्टा था, मैंने टमाटर डाला था, तो दोनों खट्टे की वजह से मैंने आमचूर पाउडर नहीं डाला है। अगर आपका टमाटर बहुत अच्छा पका हुआ है तो आप आमचूर पाउडर ज़रूर डालें, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और ग्रेवी इसकी गाढ़ी ही थोड़ी अच्छी लगती है, इसलिए मैंने गाढ़ा ही रखा है। तो ये खाने के लिए रेडी है। अब इसको सर्व करिए रोटी चाय चावल के साथ, आप इसको इंजॉय करिए। मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।